प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 83वां एपिसोड रविवार को प्रसारित हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान योजना, स्टार्टअप और पर्यावरण के संदर्भ में बातचीत की। इन सब के अलावा आजादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा करते हुए शहीदों को नमन भी किया। आयुष्मान भारत योजना के एक लाभार्थी से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में एक ऐसी बात कही कि ये चर्चा का विषय बन गई। दरअसल एक लाभार्थी ने चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री से कहा कि वो उन्हें हमेशा सत्ता में देखना चाहता है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे सत्ता में रहने का आशीर्वाद मत दीजिए, मेरे लिए पद सत्ता के लिए है ही नहीं, पद सेवा के लिए है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। हमने तुरंत दिखाया, उसी कार्ड से सारा इलाज मेरा किया गया, मेरे एक पैसा नहीं खर्च हुआ, सारी दवाइयाँ भी उसी कार्ड से निकाली गई हैं। तो राजेश जी, आपको अभी संतोष है, तबीयत ठीक है? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी उम्र भी इतनी लंबी होगी, हमेशा सत्ता में ही रहे। हमारे परिवार के लोग भी आपसे इतना खुश है, हम क्या कहें आपसे। राजेश जी, आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए, मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के मन की बात का अंश खबरों की सुर्खियां बन गया और उनके इस कथन की चर्चा तेज हो गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।